नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति। आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बुलंद शहर के कस्बा अहमदगढ़ स्थित बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुकानदारों को जीएसटी टीम की गाड़ियों के बाजार की तरफ आने की अफवाह किसी ने उड़ा दी। आनन फानन में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। चंद मिनटों में बाजार में दुकानों में शटर गिरने से सन्नाटा पसर गया, जबकि जीएसटी टीम का कोई अधिकारी किसी को बाजार में नहीं दिखा। जीएसटी टीम की अफवाह से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान बंद दुकानों को लेकर ग्राहकों को सामान खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि छोटे दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की थी। रविवार को मेन बाजार, छोटा बाजार, सर्राफा बाजार के आसपास दोपहर 2 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाजार में किसी ने जीएसटी की 3 गाड़ियों में अधिकारी आने की अफवाह उड़ा दी। खबर बाजार में पहुंचते ही व्यापारियों ने झटपट अपनी दुकानों के शटर गिराना शुरू कर दिए। एक दूसरे को देख दुकानदारों ने बिना सत्यता की जाँच किए अपने प्रतिष्ठानों के शटर बंद कर दिए। रजिस्ट्रेशन वाले दुकानदारों का कहना है कि इस छापेमारी के दौरान कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं, जिस कारण दुकान बंद रखने में भी भलाई है। बताया जाता है कई घंटों बाद व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि जीएसटी टीम पहले व्यापारियों को नोटिस जारी कर सूचित करते हैं, अचानक बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा न करें, अन्यथा व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। मेरा बल्लू शर्मा। ये जीएसटी समस्या की वजह से बंद हुआ है और खाली भय की वजह से बंद हुआ है। फिलहाल ऐसा खाली भय में ही बंद हुआ है और जीएसटी को लेकर बंद हुआ है। मेरा आज अहमदगढ़ में बड़ा ही भय का माहौल है। सभी दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके जा रहे हैं। अधिकारी अनावश्यक रूप से यहां दबाव बना रहे हैं, जो कि ज़्यादातर दुकानदारों पर जीएसटी नंबर भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे अहमदगढ़ के अंदर। सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग आए, पूरा व्यापार मंडल, हमारे अहमदगढ़ का पूरा व्यापार मंडल उनसे बात करना चाहता है, और जो भी उनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है उनको सभी दुकानदार उन्हें फॉलो करेंगे। जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों को फॉलो करेंगे, लेकिन पहले वो अधिकारी लोग सबसे आकर के बात करें। लेकिन हो क्या रहा है कि किसी भी दुकान पर जाते हुए अनावश्यक रूप से दुकानदारों को धमकाया जाता है और भी कई प्रकार की उनको प्रताड़ना दे करके उनको डराया जाता है। लेकिन यहाँ पूरा व्यापार मंडल है, हमारे साथ हमारे व्यापार मंडल के अपना मंडल के अध्यक्ष भी खड़े हैं, वो सब लोग बात करना चाह रहे हैं आखिर क्या समस्या है। अभी तक ऐसी नहीं आई है, लेकिन बार बार ये अफवाह उड़ाई जाती है कि फलानी दुकान पर छापा डल गया, ये हो गया, लेकिन वो अनावश्यक रूप से ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पूरा व्यापार मंडल है, वो अपनी समस्या अगर उनकी कोई है तो हम लोग उनको फॉलो करेंगे। जो भी नियम बनाए गए हैं पूरा व्यापार मंडल उनको पालन करेगा। मनोज शर्मा भी है। जी, और आप जी उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि आजकल दुकानें बंद किस लिए की जा रही हैं? भैया देखिए, तो एक तो मैं देख रहा हूँ कई दिन अनावश्यक रूप से ऐसा हुआ है कि लोग दुकानों को बंद करके इधर उधर जो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मैं सबसे पहले दुकानदारों से अपील करूँगा कि जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और यदि कोई अधिकारी आते हैं तो अपनी समस्या उन्हें बताएं। यदि नहीं सुनते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छा, दूसरे मैं ये भी कहूंगा, मान लीजिए हमने कोई नियम या कानून लेके आए हैं तो सबसे पहले तो उसको जो है सूचना देनी चाहिए दुकानदारों को, और एक नोटिस हर दुकानदार को दिया जाए और उनको एक टाइम बाउंड कर दिया जाए, तो इतने समय में आप अपने रजिस्ट्रेशन करा लें जीएसटी के अंतर्गत, अन्यथा उसके बाद में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे यहाँ कस्बे में जीएसटी की टीम से अफवाह उड़ाई जाती है, उसको लेकर भी आप व्यापारियों से किस तरह की अपील करेंगे कि अधिकारी आए और अधिकारी आते नहीं है जीएसटी वाले? व्यापारियों से मैं अपील करूंगा, अपील भी नहीं, मैं साथ खड़ा हूँ। यदि कोई अधिकारी आज भी आए हुए हैं, जैसा कि बाजार बंद हुआ है, और यदि कोई अधिकारी अहमदगढ़ में है तो मैं अधिकारी तक ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वो आए, हम उनसे बात करेंगे, आखिर इस तरह का खौफ जैसा माहौल पैदा क्यों किया जा रहा है। यदि आप आए हैं तो आप हमसे, मैं व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूं, आप हमसे संपर्क करें। जो समस्या है, यदि ये कंपलसरी कर दिया है या नियम ये बना दिया कि हर हालत में प्रत्येक दुकानदार को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है,
तो मैं अपील करके सारे दुकानदारों से मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने की अपील करूंगा और कराऊंगा भी, लेकिन उसके लिए टाइम तो दिया जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि आप आए और एकदम किसी दुकानदार को जाके इस तरह धमका दिया, पूरे बाजार में खौफ पैदा हो गया माहौल इस तरह का। ये साई का टाइम चल रहा है, इस समय शादियों का जो विवाह जो वो चल रहा है सीजन, तो ये तो पब्लिक को एक अनावश्यक रूप से खौफ पैदा करना जो